वो कुछ तो प्रोग्राम है वहाँ पर, वहाँ जाकर आ रहे हैं अभी। हाँ हाँ, दीप वाला जो प्रोग्राम है ना, वो देखकर वो आ रहे फिर अभी, ठीक है ना। आप इतना परेशान मत हो, आप घर जैसी बात है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम लोग आकर बोल देंगे, वो तो फोन कर देंगे, आपको भी फोन कर दूंगा, ठीक है। चलो धन्यवाद। अभी जिस गांव में हम लोग का स्टे है, जहाँ के वहाँ के पार्षद साहब भी हमें मिलने थे, तो उन्होंने उनका अभी जस्ट अभी कॉल आया कि खाना रेडी है। सो स्वीट ऑफ हिम, और जितने भी लोग वहाँ पर हैं वो लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्या कहें, मतलब इतना ज़्यादा उन लोग का अच्छा व्यवहार लगा, और मतलब स्पेशली उन्होंने डिनर के लिए इन्वाइट किया। बट हम लोग सुबह आए थे तब तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, अभी पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा। वाह, तो ये है रतन सिंह जी, महाराजा रतन सिंह जी का महल। आए यहाँ पे, जैसे ही पूछे सब फंक्शन खत्म हो गए, इसी वजह से ट्रैफिक जाम था। और जितना भी ट्रैफिक था, जितने भी व्यूअर्स वगैरह, जो जितने भी लोग पब्लिक आई होगी, वो सब उसी टाइम पे बाहर निकल रही थी जिस टाइम पे हम लोग एंट्री ले रहे थे। अब कुछ नहीं, अब वापस जाएंगे, 15-18 किलोमीटर दूर है जहाँ पर हमारा, हम टेंट लगाने वाले, तो वहाँ पर जाके टेंट लगा कर सोएंगे, फिर रात कल मॉर्निंग में पूरा फोर्ट जो है वो कवर करने का ट्राई करेंगे। मुझे भी ड्रोन उड़ा के काफी ज्यादा रिस्क लग रहा था, और काफी ज्यादा फट भी रही थी, डर लग रहा था कि भाई यहाँ से ड्रोन उड़ाऊं कि नहीं उड़ाऊं, क्योंकि ये फोर्ट बहुत ज्यादा हाइट पे है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे अलाउड वगैरह भी नहीं है। बट अपन ने रिस्क लिया, थोड़ा तो उड़ा लिया, एंड सेकेंड थिंग वो भी अंधेरे में। अब अपन कल मॉर्निंग में ट्राई करेंगे, अर्ली मॉर्निंग आके उड़ाएंगे मस्त, और मजा आएगा। अब देखो जो दिन भर की जो थकान है, अब शाम को आप कोई ऐसी जगह बैठे हो और पूरे दिन की थकान आराम से उतर जाती है। मस्त थकान है ये बोलने की बात है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बट एक अलग ही अनुभव है, एक अलग ही मजा है। फोर्ट के एकदम ऊपर बैठे हैं, और मस्त ऊपर से जो कि ड्रोन शॉट्स वगैरह जो आप लोग ने एंजॉय करे वो तो है ही, और मस्त हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त मजा आ रहा है। अब फटाफट जाके कैंपिंग करनी है भाई, आराम से ध्यान से। क्या क्या करना पड़ता है देखो व्लॉग बनाने के लिए, क्या क्या करना पड़ता है इंसान। लाइक कर दो, लॉक वॉक तो नहीं किया खैर इन्होंने, अभी खुला ये दरवाजा, कोई दिख भी नहीं रहा अभी तो मंदिर पे भाई। तो जहाँ हमारा स्टे है, जहाँ पे हमारा टेंट वेंट लगाने का प्लानिंग है, वहाँ पहुँच तो चुके हैं, बट जब हम गए थे तब तो बड़े भजन वजन चल रहे थे, बट अभी सब कुछ शांत हो चुका है, मतलब सब लोग सो भी गए हों, पंडित जी भी हैं जाग रहे हैं कि क्या है, देखते बात करते हैं। ये इधर ताला लगा दिया, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है। बाथरूम, बाथरूम गेट के बाहर है, पहले सुसु वगैरह करें आप कर लो, पर काफी अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया, मतलब और इवन उन लोग ने, मतलब उनकी रसोई थी आज, तो उन्होंने खाना वगैरह भी हम लोग के लिए रखा है, कोई नहीं है मंदिर में, बट फिर भी खाना हम लोग के लिए रखा है। मंदिर में कोई भी नहीं है, वो जो एक अंकल बैठे हैं वो है खाली मंदिर में, मतलब इस टाइप का जो एक्सपीरियंस होता है उसका मजा अलग आता है, बाकी वो कैसे सुनसान रास्ते पे से होते हुए आए, वो तो अच्छा हुआ अपन दिन में जब उजाला रहता भाग रहे थे। वाह, मतलब इन्होंने खाना रखा है, दोना पत्तल, दाल बाटी है, क्या है दाल बाटी, ये ले लो, पूरा नहीं थोड़ा ही ले लो, दाल भले दो बाउल लेनी हो, हिलानी पड़ेगी वापस दाल, दाल फ्लैश चालू कर लेते हैं, कैसे लगो, हाँ मतलब दो चार बार यूं ही अंदर यूं कर ले, हाँ तो मसाला सब मिल जाएगा ना, पानी पानी आएगा खाली।
मंदिर पे कोई नहीं है क्या? कोई भी नहीं है? कब आएंगे? सुबह पंडित जी सब लोग? चलो कोई बात नहीं, चलो तो कोई नहीं, भर लिया अपन। आप लो, मैं वो सामान ले जाता हूँ वहाँ से, ठीक है? मजा आ रहा ना बाकी? एक अलग ट्रैवलिंग फॉर लाइफ, ये अलग एक्सपीरियंस है, बाकी मस्त मजा आ रहा है। आपके इंटेंशंस अच्छे हैं तो मतलब ऑब्वियसली आपको जो सामने जो लोग मिलेंगे वो भी अच्छे मिलेंगे और आपकी हेल्प करने वाले मिलेंगे। ये भी आई एम नॉट श्योर फॉर दिस थिंग ऑल्सो कि मैं ये वाला व्लॉग कौन से नंबर का व्लॉग होगा, क्योंकि सब कंटिन्यूसली एक साथ शूट चालू है। अब जब एडिट करने बैठूंगा तब पता चलेगा कि कौन से कितने पार्ट में कितना काटना है और कितना दिखाना है, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट कि अपन व्लॉग्स का ज्यादा लंबा खींच दें और इंटरेस्ट ना बना रहे। सो इट्स बेटर कि अलग अलग पार्ट्स में व्लॉग देखा जाए। तो अभी टेंट वेंट लगाएंगे, सामान उधर रख दिया, वो रहा हमारा दाल बाटी, दाल और बाफला। दोज वो आर फ्रॉम राजस्थान, उन लोग को बाफला पता होगा। बाफला इज मोर टेस्टी देन बाटी, मेरा फेवरेट है बाफला। क्या हो गया भाई? नहीं है, टेंट नहीं है पूरा, क्या हो जाएगा? क्या दिक्कत क्या हुई है तो बता। इसके ऊपर का वो नहीं है क्या, वो स्टिक्स? नहीं नहीं, तो एक और लेयर लगती है ऊपर की। तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। हाँ मतलब ठीक है, हो जाएगा। उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? वो तो एक एक्स्ट्रा लेयर है ना खाली। हाँ तो कोई नहीं, अंदर सो सकते हैं ना उसके बिना भी। हाँ तो कोई बात नहीं, अपन अभी टेंट लगाएंगे। होता क्या है, दो लेयर्स रहती है, तो वाला शायद पैकिंग नहीं किया अक्षित ने। टेंट बनाएंगे इसका और लगा के मस्त पहले पेट पूजा करेंगे, फिर उसके बाद सो जाएंगे। पर ये बंद रखना भाई, क्या बनाते बराबर से बंद कर देना, वरना मच्छर अच्छा घुस गया तो दिक्कत हो जाए। तो फाइनली टेंट रेडी है, टाइम लैप्स देख लिया, अब खाना वाना खाएंगे भाई। बहुत तेज भूख लग रही, बहुत तेज। एक नंबर टेस्ट है दाल और बाफले का, मजा आ गया। कैसा लगा अक्षित? अरे मजा आ गया भैया, बहुत अच्छा है। इतनी भूख में अपन खाना मिला है, बहुत। हाँ वो तो है, सही बात है। और इन्होंने इतनी केयर रख के स्पेशली फोन भी किया था, और माँ ने साथ में कुछ आइटम बांधा था, तो पेठा वगैरह मस्त। स्वीट इज मस्ट। मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं बाहर, तो हम लोग को फटाक से अंदर जाके बंद करना पड़ेगा। ऐसा होगा बंद। वाह जी वाह वाह। तो अब जितने भी गैजेट्स वगैरह है, अब हम लोग स्टे इसी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि होटल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो पावर बैंक्स वगैरह सब तामझाम, जितना भी हमारा है सब कुछ, जितने भी गैजेट्स है सब अब चार्जिंग पे लगा रहे हैं, ताकि कल सुबह हम लोग को दिक्कत ना आए और इजीली हम लोग सब शूट कर पाए और सब अच्छे से चल पाए। ड्रोन का रिमोट चार्ज हो रहा है, अक्षित के गोप्रो की बैटरी चार्ज हो रही है, और ये मैं चार्ज हो रहा हूँ कल सुबह के लिए। कल मस्त फोर्ट घूमेंगे। आज का भी जो एक्सपीरियंस रहा एकदम अल्टीमेट, एक नंबर अलग एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। तो देखिए, भरी नींद में वापस से उठ के व्लॉग एंड करना भूल गया था, तो व्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, नए व्लॉग में, कुछ नए एडवेंचर के साथ। तो चित्तौड़गढ़ की पूरी सीरीज़ को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जिस तरीके से हम लोग ने इस बार ट्रैवल किया, एक्सपीरियंस किया टेंट में रुके, तो आप लोग को वो कैसा लगा। डू शेयर योर कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सीखते हुए तोड़ फोड़ करते हैं। शुक्रान फॉर वॉचिंग।